ठीक है, तो आप क्या करते हैं अपने बलून के साथ या दूसरे के बलून के साथ, आपकी विचारधारा है। बस जिसका बलून सुरक्षित बचा रहे, और ऐसा नहीं कि बहुत समय तक हम टाइम देंगे, कबड्डी में जैसा पकड़ने के बाद थोड़ा सा सांस चलता है उसके बाद आउट दे देते हैं ना, या डिक्लेयर कर देते हैं कि पट्टी पा गया कि नहीं पा गया। वैसे ही चारों के पास बलून है और देखते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट बोलूंगा तो स्टार्ट है ना, और जिसका बलून सुरक्षित रहता है वो इस खेल का विजेता होगा। ठीक, चलो स्टार्ट। भागना नहीं है, भागना नहीं है, आगे तो ना तुम लोग भिड़ गए। चलिए, विजेता कौन? विद्या। नहीं, हाँ, अब इसके पीछे कुछ संदेश था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शर्त क्या लगी थी? जिसका बलून सुरक्षित रहेगा वो विजेता। बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बात यहां बलून को सुरक्षित रखने का था। इन चारों ने क्या किया? एक दूसरे का बलून फोड़ डाले और विजेता कोई नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम अपने बलून को सुरक्षित रखें और अपने साथी के बलून को भी सुरक्षित रहने दें, और किसी के बलून को नहीं तोड़ते तो सबका बलून सुरक्षित रहता, रहता कि नहीं? रहता कि नहीं? लेकिन हम यहां देखे आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष कि चारों के पास बलून था और अपने बलून को बचाने के चक्कर में और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में एक दूसरे का बलून फोड़ डाले, अपना भी बचा रहे तो अभी फूट गया और दूसरे का भी फोड़ दिया। कुछ शिक्षा मिल रही है? नहीं समझ आ रहा। हम दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं तो खुद को हानि पहुंच रहा है, खुद को भी हानि पहुंच रहा है। और बात बलून को सुरक्षित रखने का था। यदि किसी दूसरे का बलून कोई नहीं फोड़ता तो किसी का भी बलून नहीं फूटता और चारों के चारों विजेता होते। लेकिन यहां एक दूसरे का बलून फोड़ने के चक्कर में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में चारों के चारों हार गए। एक कंडीशन ऐसा बन सकता था कि चारों विजेता हो सकते थे, हो सकते थे कि नहीं? अभी स्थिति ऐसा बन गया कि चारों के चारों पराजित हो गए। हम लोगों के मन में अक्सर यही चलते रहता है, खुरापाती दिमाग चलते रहता है और हम दूसरों को नुकसान और अपने को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा हो अगर हम खुद को भी सुरक्षित रखें, खुद का फायदा सोचें और अपने साथी का भी फायदा सोचें, तो साथी भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। किसी के दिमाग में घुस रहा हो तो ये अपना छोटा सा प्रयास था और सीख बड़ी है इसी। फिर दोहराना चाहूंगा, शर्त लगी थी कि जिसका बलून सुरक्षित रहेगा वो विजेता। तो दो कंडीशन हो सकता था, एक तो कोई किसी का बलून ना फोड़े और चारों सुरक्षित रहे और चारों विजेता, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। झपट पड़े दूसरे के बलून पे और फोड़ डाले। बलून फोड़ देने का मतलब मेरा संदेश जो है वो नुकसान पहुंचाने से, ठीक है? तो हम यहां देख रहे हैं चारों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद का भी नुकसान कर रहा है, और एक स्थिति क्या बनती सकती थी? खुद का भी सुरक्षित रहने दे और दूसरे को भी सुरक्षित रहने दे, और एक लाइन में बोलूं तो जियो और जीने दो, है ना? अभी क्या हो गया? मरो और मरने दो, हो गया ना? कौन सा सही है, जियो और जीने दो कि मरो और मरने दो?
ये छोटा सा आपको संदेश दिमाग में क्लिक कर जाता है तो आपका आजीवन काम आएगा, ठीक है। एक जोरदार ताली। धन्यवाद आप लोगों का। प्रसाद तैयार हो गया हम लोग, समय तो चलिए एक और मैं थोड़ी सी और बातें बता दूं। आज अच्छा बाल दिवस मनाते हो? कब? शनिवार को बाल दिवस। कौन बताएगा बाल दिवस कब मनाते हैं? बता दे। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन को? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन है, वो अपने दिन जन्मदिन को बच्चों के नाम समर्पित कर दिए और बोले कि मेरे जन्मदिन को आप बाल दिवस के रूप में मनाएं। वैसे ही सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म है, दिन है आज शिक्षक दिवस, यानी वास्तव में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस। और खुद भी शिक्षक रहे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी भी स्वयं शिक्षक रहे, शिक्षक के महत्व को और शिक्षा के महत्व को समझे। और श्रीवास्तव जी जैसे बताएं कि ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। अभी राष्ट्रपति कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पता है हमारे राज्य का कौन है? और राज्यपाल कौन है हमारे राज्य का? बहुत बढ़िया। इस तरह से जानकारी आप लोगों को, सामान्य जानकारी, सामान्य बातें पता नहीं चाहिए। हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी पहाड़ी है ना। अरे समझ में, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बता रहा था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को उनके द्वारा कहा गया कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।